What happened to your face? What happened? You got hurt? Guys, can you see that? बहुत मजे की हो गई यार इसके। तूने पोनी उतारी नहीं थी? यार ये चेक करना इसके बाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास ब्लीच है, क्या करें? दाढ़ी भी लगा दूँ भाई? पागल है तू? यहाँ लगाते हैं थोड़ा सा। मेरा सोलर कट हो गया। मेरा माइंड हमारा थंबनेल बन रहा है, ओके? चलो भाई। Are you excited? Say bye bye to Baba. Bye bye to Baba. Good girl. Okay, do you want to see baby? Baby. Hello. Hi baby. Beauty. I'm all set. कैसी तबीयत है उसकी अब? सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर व्लॉग। आज मैं इंट्रो कर रही हूँ एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अब्दुल्ला के घर आई हुई हूँ। मामा ने मुझे छोड़ के आ गई थी यहाँ पे, तो मैं मामा के पीछे पीछे आ गई। मामा कैसा लग रहा आपको? तो क्योंकि वाकई बिल्कुल सही बात है, मैं मामा के बगैर नहीं रहती। क्या करूँ, नहीं रहा जाता मुझसे। यार मैं ना आती लेकिन विदा बहुत ज़्यादा तंग करी थी, तो फिर मैंने सोचा कि विदा अपने कजन को मिस कर रही होगी तो उसको यहाँ ले आता हूँ। जिसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइम घर पे क्या मामला चल रहे हैं। बाबा इस टाइम सो रहे हैं, बड़े मजे। कैसे लग रहा है आपको मैं यहाँ पे आई हूँ आज? ठंडक पड़ गई, दिल बाग बाग हो गया, क्या? बहुत खुश हो गया आपको देखकर। ये जो हमारा छोटा शहजादा है ये दूध पी रहा है, और मिलो गुगू तो मिलो बुगू तो मिलो गुगू तो मिलो बुगू तो। मैं ना विदा जब छोटी होती थी ना, तो मैं उसको मेरे मुंह में जो आता था ना मैं उसको बोलती थी, तो वह मुझे कहते थे कि तुम क्या बोलते हो यार, ये घुकू भुकू लिकू बिकू शिकू बिकू। और ये जो हमारा यहाँ पे बड़ा शहजादा है ये इस टाइम फुल काला हुआ है, और मैं सोच रही हूँ सुबह से काला काला नहीं जा रही, इतना काला हुआ अब्दुल्ला, मैं सोच रही हूँ कि इसकी मैं डेंटिंग पेंटिंग करूँ। क्या ख्याल है अब्दुल्ला, चमक जाओगे तुम, लड़कियाँ फ्लैट हो जाएंगी तुम पे जब तुम कल जम जाओगे। तो लड़कियाँ फ्लैट नहीं करनी, लड़के करने। लड़के ही फ्लैट है, लड़के ही भाई है, इतना प्यारा, बस थोड़ा काला हो गया, तो मैं सोच रही हूँ की आज इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, करूँ आज। खास मौका, हाँ मैं आई हूँ, ये इससे ज्यादा खास मौका और क्या होगा। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को ये क्या बता दी कि मैं क्रीम क्या यूज करती हूँ, मुझे इतने मैसेज आए और 100 सवाल करे थे ग्लूपिटॉन के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका उससे हम फेशियल किस तरह कर सकते हैं। अपने में नहीं करूंगी, मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं अब्दुल्ला का फेशियल करूंगी आज। थोड़ा बहुत स्क्रब आपको बनाना सिखाऊंगी, उसका मास्क बनाना सिखाऊंगी, ग्लूपिटॉन का। आखिरी बार मैंने अपनी जिंदगी में जो फेशियल किया था वो किया था शादी में, वो तो आप, पहला था वही आखिरी। आप दूसरा फेशियल आज करेंगे ना? अगर आप रूटीन में ब्लीच करते हैं ना तो उससे आपका फेस नीट तो हो जाता है, वो जो ग्लो होता है ना वो 1-2-3 दिन रहता है, उसके बाद फिर आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आप उसमें ग्लूपिटॉन ऐड करते हैं तो आपको 15-20 डेज तक ना आपकी स्किन पे ग्लो आपको फील होता रहेगा, वो जो फेशियल के फॉर्म वाला आपको फील होता है। यार मैंने ये बाउल ले लिया है और साथ में मैंने ली है ये ब्लीच केयर ब्यूटी की। हमें ना फोन अपना अनुसार ना वो ट्राईपॉड पे लगाना पड़ा, क्योंकि मैं एक हाथ से दो हाथों से सारे काम नहीं कर सकती। आज अब्दुल्ला को मैं मुर्गा बना रही हूँ, अब हम हमारे दोनों बच्चों को चेक करना। वैसे हमें रानों को देख रहे हैं क्या करतूत कर रहे हैं, ये पकड़ो उसको। तूने पोनी उतारी नहीं थी? हाँ ये चेक करें इसके बाल, ये बाल चेक करें। रानी है ये एनू की पेन। बिस्मिल्लाह बेटा, अगर मेरे बाल गोल्डन हुए? नहीं हुए हो जाएंगे, अभी तक तो नहीं हुए, हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो ये डोला होगा ना, डोला सोलह चोट क्या खत्म हो गई, चोट इंसान डरा दिया। जो रिकमेंडेड टाइम होता है ना वो 20 मिनट्स होता है, लेकिन आप जरूरी नहीं है तो हम इसको 10 मिनट के बाद, 10 मिनट बस, 10 मिनट के बाद तो मैं उतार दूंगी। योर माइंड हमारा थंबनेल बन रहा, ओके? चलो भाई। वाह अब्दुल्ला ग्लो आ गया यार तुम्हारे फेस पे, मतलब खाली ब्लीच करके ग्लो आ गया। हाँ हाँ ये देखो कितना नीट लग रहा है तुम्हारा फेस, बहुत ज्यादा चमक रहा है, ग्लो ग्लो आ गया अब्दुल्ला के फेस पे। ओ रियली और ये कैमरा ये देखो यार सही तो है, ये देखो
ये ब्लीच है और ये ब्लीच नहीं है, यहाँ से भी नजर आ रहा है, है ना डिफरेंस। तो अब अब्दुल्ला वो काम करने लगा जो उसने शायद नहीं, जो अब्दुल्ला जो तुमने जिंदगी में शायद दो तीन दफा किया होगा। यार अगर ये रेड ना देखो तो मैं लग रहा सॉफ्ट लग रहा है, हाँ और थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा, फ्रेश हो गया ना फेस, फ्रेश लग रहा। हाँ 5000 निकालो मेरे, इतना अच्छा फेशियल किया तुम, पॉलिश भी कर दिया तुम्हारा मैंने। यार बाहर मेरा जो पप्पू भाई बैठा है उससे जाके करवा देता हूं, सेम ये चीज कर देता हूं। दफा हो जाओ दुल्हा। थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है बेसन और अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ग्लूपिटॉन, इसको अब हम स्क्रब बनाते हैं। इतना सा मैं ले रही हूँ, को मिक्स करते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा स्क्रब मेरा तैयार हो गया। अब मैं करने लगी हूँ इससे अपने फेस को स्क्रब। यार मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना नीट लग रहा है, सिर्फ मैंने स्क्रब किया है, अभी इस पर मैंने पॉलिशर नहीं लगाया ऑलरेडी। देखे हम अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट ना। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ है ना घर के अंदर, तो आपको यकीन करें बाहर जाके फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। आपको मास्क कैसे बनाना है, तो मास्क के लिए मुझे चाहिए था वाइट राइस फ्लावर, तो मैंने वो लिया है थोड़ा सा बॉल में, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी ग्लूपिटॉन। सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें अंदर सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, कोई स्टीरॉइड्स नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। जो क्रीम मैंने आपको कल बताई थी वो आप डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छा सा मास्क तैयार हो गया, तो मैं जा रही हूँ इसको अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपने उसको राइस फ्लावर के अंदर ही डाला है, आप उसको मुल्तानी मिट्टी के अंदर, मड मास्क के अंदर, किसी भी चीज के अंदर डाल के बना सकते हैं अपना मास्क। अब मैं वेट करूंगी 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के बाद अपना फेस वाइप ऑफ करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि स्किन कैसी अच्छी लगती है। गाइस कैन यू सी दैट, बहुत मजे की होगी यार स्किन। लिंक अटैच कर रही हूँ साथ में, चेक कर लेना, मुझे दुआएं दोगे बाद में। उसको अपना टूटू दे रही है, टूटू दे रही है अपना, ऐसे करे पार कर दे विदा, पार आरफा बाजी ने ये मटर पुलाव बनाया है और मुझे उनके हाथ के चावल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार हमने फेशियल कर लिया, खाना छाना खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए। विरदा आयरा, आज मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हुआ है और हम लोग सोच रहे हैं कि कल वीकेंड है, कुछ प्लान करते हैं बाहर जाने का। मेरा इतना दिल कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैमिली के साथ। हाय वीटा, मेरा मेरा वीटा कितना एक्साइटेड है। बाबा इज़ नॉट कमिंग, दैट्स नॉट, बाहर वहाँ गाड़ी खड़ी है, वाइट करिए बाबा। That's not Baba. Go run. Show me. Where did you get hurt? Mama को दिखाएं. Red dog. You got hurt? Where did you get hurt, baby? Here. Oh. Vida को चोट लगती है तो Vida कहती है ha ha. Like I got hurt. उसके बाद मैं कहती हूँ okay I'll rub it. उसके कहती है ba. Means better. Vida को पकड़ लो. Vida मैं पकड़ लियो आपको. Vida को पकड़ लो. Vida. Don't do this. मेरे ना आपकी पिटाई लगा देनी है विरदा, पत्थर उठा रही है अब नीचे से। What happened to your face? What happened? You got hurt? विरदा look at the stars. Wow, there are so many stars. Literally no star in the sky. विरदा को कहाँ से स्टार दिखाऊं यार, हमारे बचपन में आसमान में इतने सितारे होते थे और हम उनको देख देख के इतना अम्यूज होते थे, और आजकल के बच्चों को दिखाने के लिए आसमान पे सितारे नजर नहीं आते यार। बच्चों को भागते हुए ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी भागूं, तो मैं इन दोनों के साथ लगाने लगी हूँ रेस और आप लोगों ने बताना कि कौन जीता है, ठीक है? चलो ओके नंबर वन मैं यार मैं आई हूँ सेकंड। मैंने शूज टूट गई थी। तुम्हारा शूज टूट गया? ये इकरा मुझे एक्सक्यूज दे रही है कि मैं जूता टूट गया था इसलिए नहीं भाग सकी। ऐसे कहो ना कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती थी। कैट, दैट्स अ कैट, बी केयरफुल ओके, डोंट टच हर। या इट्स अ कैट, पहले भी उसे हम आए थे तो यही थी ना, तो वो कैट पहचान। अब इतने उसकी जान छोड़ी, बेटा बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप्स। और मामा ने यहाँ पे अपनी पसंदीदा चीज डिस्कवर की है जो कि है ये कड़ी पत्ता, ये सारा कड़ी पत्ता है। और बेचारे का
और ये दरख्त टूटा हुआ है, तो पहचाना जाता है नहीं, ये दरख्त बेचारा टूटा हुआ है। हाय हाय, दरख्त किसी का कैसे टूट गया, हवा से निकालना पड़ेगा नहीं, इसको यहाँ फिर दोबारा से खुदाई करके बांधना किस चीज से है। अब ये समझ नहीं आ रही ना, ये देखो ये मजबूत लग रहा है, मैं कह रही इसके साथ बांधते हैं, जो जिस साइड पे वो कह रही वहाँ पे कोई मुझे मजबूत है नहीं। ये है एक ना, ये देखो कितनी मोटी है। हाँ वो पीछे देखो, वो पीछे है। मम्मा आई लाइक योर चप्पल, ये अब्दुल्ला की पहन, या बाथरूम की पहन के आई है, ये अब्दुल्ला की है। लगा इतनी जबरदस्त चीज है यार। हम गली में वॉक कर रहे थे और साथ ही जुबैर की आमद हो गई है। जुबैर आपको दूर से लाइटें नजर आई थी, जब आप आए तो आपको लाइटें चमकती नजर आई थी, सामने से एक लाइट चमकती नजर आई थी, बिना फेशियल की आमद चमक गई। जुबैर मेरी बात को मजाक में ले गए यार, कितने अफसोस की बात है, मैं सीरियस बात कर रही थी। आ रही हूँ आज थोड़ी देर के लिए, वॉक कर रहे हैं, ऐसे ले आती हूँ। ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहाँ पे एंड, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि मैंने आज बहुत ही मज़ेदार सी आप लोगों को फेशियल टिप्स दी हैं। लाजमी ट्राई करिएगा ग्रुप टोन के साथ एंड मुझे बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स हैं। ओके, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।